ये कॉटेज है, प्रीमियम कॉटेज है सारे के सारे। हर एक कैंप का कलर अलग है, इंद्रधनुष कैंप इसको बोल सकते हो आप। रूम का स्पेस काफी है, ये देखो आप कितना बड़ा रूम है, कितना अंदर तक जा रहा करता, ये देख रहे हो क्या प्रीमियम कॉटेज है भाई, देख रहे हो ऐसा कुछ सामने से पूरा नेचर के बीच में है ये। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। चैनल पे वेलकम इसलिए हो रहा है, अभी गुड आफ्टरनून हो रही है, वैसे तो 12 बज चुके हैं। और भैया की प्रॉपर्टी का मेरे को एक वीडियो बनाना है, भैया ने बोला था मेरे को बनाने के लिए कि बना देना सर, अभी सीजन चल रहा है तो ये सीजन वाला वीडियो। वैसे इस प्रॉपर्टी का वीडियो मैं एक पहले बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर आपको ऑलरेडी देखने के लिए मिल जाएगा, फ्राइडे लग्जरी रिजॉर्ट का। बाकी ये न्यू वीडियो है एकदम फ्रेश, बिल्कुल अपडेटेड वर्जन के साथ में, जब बिल्कुल पूरा का पूरा इनका तैयार हो चुका है उस टाइम का अभी वीडियो है। तो ये वीडियो मैं सिर्फ भैया के कहने पर बना रहा हूँ, तो ये वाली वीडियो आप पूरी देखो। और फ्राइडे लग्जरी रिजॉर्ट को मौका दी, खाना, इनके टेंट, इनके कैंपिंग जो है बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है, डीजे नाइट फुल टू, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है यार। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा, सबसे बड़ी बात अपनापन लगेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने के मिलेगी। चारों तरफ वादियाँ हैं, बहुत ही अच्छा नेचर के बीच में ये रिजॉर्ट आपको देखने के लिए मिलता है, फ्राइड इन लग्जरी रिजॉर्ट, और कलरफुल टेंट्स हैं सारे के सारे। मैंने होली सेलिब्रेट करी है अभी यहाँ पे, बहुत मज़ा आया मेरे को, और सारे कलरफुल टेंट है, सारी कलरफुल चेयर है, और हमने बहुत सारे कलर यहाँ पे बिखेरे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बाकी अब ये वीडियो आप एंजॉय करो, यहाँ पे सर्विस देने का मौका दो, यहाँ पे आओ, अपने जो है कैंपिंग करो, और राफ्टिंग के लिए भी भैया आपकी राफ्टिंग बुक करवा सकते हैं, तो यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट करो। बाकी सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैं एक एक करके बताता हूँ, सबसे पहले इनके कैंप दिखाऊंगा, उसके बाद में इनका डाइनिंग एरिया, स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, और उस तरफ जो इनके कुछ प्रीमियम कॉटेज बन रहे हैं तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, वो थोड़े दिन में तैयार हो जाएंगे। तो सीज़न चल रहा है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा लोग भर भर के आ रहे हैं, कल भी रात आपने देखा पूरा माहौल एकदम सेट था, बहुत सारी पब्लिक थी। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले भैया से मिलते हैं, पहले इनके डाइनिंग रूम में चलते हैं हम लोग। तो ये है भैया का डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हो। चेयर्स देख रहे हो भाई, सोफ़ा चेयर्स है सारी की सारी, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी चेयर है यार, बहुत कंफर्टेबल कुशन वाली चेयर्स है, ये देख रहे हो कितनी बढ़िया एकदम, पूरा का पूरा प्रीमियम है, लग्जरी में जो है ना कहीं भी कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, एकदम फुल लग्जरी जिसको बोलते हैं वो वाली फीलिंग है। ये इनका कुछ लंच सेटअप है, यहाँ पे सैलेड है, राइस काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे दाल है, ये पनीर है, उसके बाद एक और सब्जी है, ये रायता है, सब्जी कौन सी है, आलू जीरा, ये एक आलू जीरा है, यहाँ पे चपाती है, ये चपाती है। बाकी ऐसा कुछ डाइनिंग एरिया है, लोग आराम से बैठ के यहाँ पे लंच डिनर एंजॉय करते हैं अपना, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सर्विस बहुत अच्छी है, और खाने में लंच बहुत स्वाद है। तो भाई ये देख लो पूरा व्यू, लग्जरी पूरा का पूरा लग्जरी है, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है, प्राइड इन लग्जरी रिजॉर्ट है भैया के रिजॉर्ट का नाम, भैया का नाम है प्रशांत, यहाँ के ओनर है, और भैया बहुत ही अच्छे दिल के हैं यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे को इनसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ आप जाओ अगर आपको अपनापन फील हो तो वहाँ आपका मन ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पर अच्छा लगा। तो भैया आप अपने जो है कैंप के बारे में थोड़ा बताइए। ये प्राइड इन लग्जरी रिजोर्ट है हमारा जी, बैरागढ़ में मोनचट्टी विलेज पड़ता है, हाँ हाँ। उसके अंदर बैरागढ़ पड़ता है, ठीक है, हमारा वहाँ पे रिजोर्ट है, ठीक है, हाँ जी। और ये नीलकंठ वाले रोड से आते हैं, नीलकंठ रोड से है, नीलकंठ रोड से जो गड्डू घाट के लिए रास्ता आ रहा है, गड्डू घाट के रास्ते पे, ठीक है, मोनचट्टी, ठीक है। अब आप रेट बताओ थोड़ा सा। सर जो रेट है वो पैक्स के अकॉर्डिंग है, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में और डबल ऑक्यूपेंसी में रेट डिफरेंट है। अच्छा, थोड़ा ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में 2500 पर पर्सन होता है, ठीक है, डबल ऑक्यूपेंसी में 3000 पे जाता है, 3000 पे जाता है, लग्जरी के हिसाब से है भाई, देखो लग्जरी है पूरा प्रॉपर, इस वजह से थोड़ा रेट देख लेना। ये एसी कॉटेजेस है हमारे, सारे एसी कॉटेज है वो मैंने देखे हुए हैं, हाँ जी, हाँ। और इसमें ऑल मील इंक्लूड होता है, ऑल मील इंक्लूड होता है, इवनिंग स्नैक्स, डिनर एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ठीक है, और डिनर में जो आपका वेज नॉन वेज बोथ होगा, ठीक है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी, और फूड क्वालिटी सर बता ही रहे हैं भाई, ये एक नंबर फूड था। प्लस मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, डिनर में आपको स्वीट का भी आइटम रहता है, हाँ जी सर, कुछ ना कुछ स्वीट जरूर अवेलेबल होता है, हाँ। तो चलिए भैया एक कैंप दिखा दो अपना, ठीक है, हाँ जी। ऐसे कुछ कैंप है इनके सारे के सारे, ये कैंप नहीं है, इनको कैंप नहीं बोल सकते हम, कैंप जो होता है वो कपड़े वाला होता है, ये कॉटेज है, प्रीमियम कॉटेज है सारे के सारे, बेडिंग शेडिंग सब कुछ एक नंबर है। हर कैंप के सामने अपना बैठने का एक अलग एरिया है, गार्डन है, पूरा 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 आपको नेचर से मतलब जुड़ा हुआ लगेगा हर एक कैंप, हर एक कैंप का कलर अलग है, इंद्रधनुष कैंप इसको बोल सकते हो आप, एक नंबर है सब कुछ, एक नंबर है चीज़ें यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर, भैया से बताते हैं इनकी जो है प्रॉपर्टी की अंदर की डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई क्या प्रीमियम कॉटेज है भाई, देख रहे हो क्या प्रीमियम कॉटेज है,
भाई पूरी लग्जरी मेंटेन की हुई है भैया ने। इलेक्ट्रिक केटल, वाटर बोतल, ग्लासेस, मेन्यू कार्ड, बेड, यहाँ पे अलमीरा पूरा प्रॉपर, वॉशरूम भी दिखा दूंगा, एलईडी लगी हुई है, टेबल है, वाईफाई वाईफाई हर चीज की फैसिलिटी है। तो भैया ये 8 इंची वाला गद्दा है ना, प्रॉपर होटल वाला जो होता है, ये देखो डबल बेड है, एक सिंगल बेड है। नॉर्मली इसमें 3 लोगों के लिए है, बट इसमें 5 लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं अगर ग्रुप आएगा तो। ग्रुप आए तो एक्स्ट्रा बेडिंग करवा सकते हैं आप। एक्स्ट्रा बेडिंग होती है, एक साइड में लगती है, बेड इधर हो जाएंगे, एक मैट्रेस इधर लग जाएगा। चलो ये चीज तो बढ़िया है कि खूब आराम से इसमें जो है 5 लोग आ सकते हैं, क्योंकि रूम का स्पेस काफी है। ये देखो आप कितना बड़ा रूम है, चारों तरफ आपको देखो पूरा आराम से अच्छा से। यहाँ पे एसी लगा हुआ है भैया का, फैन ऑन है, अगर ज्यादा गर्मी है तो आप एसी ऑन कर सकते हो, वैसे कम गर्मी रहती है यहाँ पे, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है, तो फैन में आप आराम से रह सकते हो। बेड की क्वालिटी एक नंबर है, गद्दे देखो भाई कितना अंदर तक जा रहा गद्दा, ये देख रहे हो गद्दे की क्वालिटी एक नंबर है भाई, हर चीज़ बहुत बढ़िया से मेंटेन की हुई है भैया ने। वॉशरूम दिखा देता हूँ, एकदम साफ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेंटेन, शावर जेल वहाँ पे लगा हुआ है, ये इनका वॉश बेसिन एरिया है। यहाँ पे देखो गीजर ऑल टाइम जो है ये चलता है, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो रिजॉर्ट इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी तरीके से पूरा का पूरा जो है मेंटेन किया। ये देखो पूरा लुक ऐसे आता है, तो फैन ऑन है, बाकी गद्दे वद्दे बढ़िया हैं, बाकी ऐसा कुछ सामने से पूरा नेचर के बीच में है ये। ये देखो चारों तरफ कितने खूबसूरत पहाड़ है, यहाँ से सनराइज होता है और सनसेट होता है इधर यहाँ पे, तो पीछे की तरफ सनसेट होता है, दोनों व्यू आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, सनराइज भी सनसेट भी। अब मैं इधर चलता हूँ, थोड़ा सा इनके जो स्विमिंग पूल एरिया है वो दिखा देता हूँ, प्लस ये कुछ इनकी प्रीमियम प्रॉपर्टी रेडी हो रही है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में अगर आप चेक करोगे तो मैंने बताया था कि इस तरफ इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, प्रॉपर रेडी नहीं हुआ था उस टाइम पे। अब ये मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 दिन में पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। देखो आप पूरे डोर वगैरह लग चुके हैं, बेडिंग अंदर हो चुकी है। इनमें कोई रूम खुला हुआ है भैया अभी? ओपन है बट अभी वेल मेंटेन नहीं है। अभी वेल मेंटेन, वो तो मेरे को पता है 10-15 दिन लगेंगे। अगर वैसे एक चेक कर लिया जाए तो ये देखो ये मेंटेन्ड नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रीमियम वाला रहने वाला है भाई, ये और भी ज़्यादा प्रीमियम रहने वाला है और इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक पूरा बालकनी एरिया मिल जाएगा अपना पर्सनल, और ये इनका स्विमिंग पूल है जहाँ पे देखो लोग एंजॉय कर रहे हैं अभी भी, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये इनको वाटर को जो है डेली रीफिल करते हैं, डेली के डेली मेंटेन करते हैं। इनका अपना फिल्टर है इसके अंदर जो पानी को साफ रखता है, ऑल टाइम फिल्टर चलता रहता है, और 24x7 अगर किसी को नहाना है तो 24x7 ही आपको जो है फ्रेश वाटर रनिंग आपको मिलता रहेगा यहाँ पे। तो मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, अगर आप गौर करोगे पानी देखो कितना साफ है भाई, अंदर तक के जो स्क्वायर्स है ना वो तक भी आपको सारे नज़र आ रहे हैं, सारे स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं, पानी बहुत साफ है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। देखो स्विमिंग पूल कितना बड़ा है, बच्चे भी नहा रहे हैं और इधर की तरफ थोड़ा गहरा है तो बड़े भी नहा सकते हैं आराम से। यहीं पे आपको जो है वॉशरूम भी मिल जाता है स्विमिंग पूल के बराबर में, यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है, सिटिंग एरिया है हमारे ऊपर, यहाँ पे सिटिंग करवा सकते हैं भैया अगर किसी को एक्स्ट्रा सिटिंग करवानी है स्विमिंग पूल के पास में। और इसकी एक और खास बात है, यहाँ से नीचे जाने का एक रास्ता है जो नदी के बिल्कुल सहारे चला जाता है, ये सामने नदी है तो यहाँ आप रिवर में भी जाके एंजॉय कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है, मैं लास्ट टाइम आया था मेरे को बहुत मज़ा आया था भाई, इस बार आया हूँ इस बार बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। लास्ट टाइम ही मेरी कुलदीप से बात हो गई थी, कुलदीप बहुत अच्छा बंदा है यार, दिल का बहुत अच्छा बंदा है, अगर किसी को मिलना हो आके नाम लेना, इस व्लॉग्स के चैनल के थ्रू से आए हैं भाई हम। भैया देखो आपको कैसा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा भाई यहाँ पे आने के बाद में, बहुत ही ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात वही मैं फिर से कहूँगा, अपनापन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील होगा आपको भाई, सर्विस में कोई किसी भी तरह की कमी नहीं है। बाकी मैंने आपको इनका दिखाया डाइनिंग एरिया, सारे के सारे सोफ़ा सीट्स हैं, मेंटेन्ड हैं, अच्छे तरीके से उनको मेंटेन किया गया है। बाकी ये देख लो क्या बढ़िया है भाई। बाकी कुछ लोग मेरे व्लॉग्स में कहते हैं कि यार पार्किंग की ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, ये प्रॉब्लम होती है, गाड़ी मेन रोड पे लगानी पड़ती है, ये वगैरह वगैरह। ये रिसेप्शन है, 1 मिनट के अंदर आपको कैंपिंग मिल जाए, वो पार्किंग की फैसिलिटी मिलेगी। ये देखो वैसे तो ये रोड रनिंग नहीं है, बहुत कम रनिंग है, लेकिन इनकी पार्किंग ऊपर की तरफ है, यहाँ पे बड़े आराम से यहाँ पे 20 गाड़ियाँ पार्क हो सकती है, मेरी गाड़ी वहाँ पे पार्क है, वो पीछे 2 गाड़ी जो है वो हमारी है, तो यहाँ पे बड़े आराम से आप अपनी गाड़ी पार्क करो, कोई दिक्कत नहीं है पार्किंग की, पूरा का पूरा खुला हुआ है चारों तरफ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार।
तो बहुत मजा आया मेरे को भी। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। जरूर आपके लोग आएंगे यहाँ पे मेरे चैनल के थ्रू, जरूर आएंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो जानते हैं और मैं बहुत लोगों को रेफरेंस देता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं सबको अच्छा फीडबैक देने वाला हूँ। मेरे को बहुत मजा आया, खाना बहुत अच्छा था आपका, सबसे बड़ी बात खाने में बहुत मजा आया मेरे को। भाई देख लो, लास्ट व्यू है ये प्रॉपर्टी का भैया की का, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। सबसे बड़ी बात, मेरे को ये कॉटेज बहुत प्यारे लग रहे हैं यार। भाई यहाँ तो इन्होंने ऋषिकेश में रशियन बीच बना रखा है, ये देख रहे हो सारे रशियंस बैठे हुए हैं। ये देखो, एक तो ये नहीं महारानी जी क्या एंजॉय कर रही हैं, ये भैया यहीं योगा करेंगे दोपहर में, ये देख रहे हो दोपहर में योगा कर रहे हैं तीनों जने बैठ के, और उधर कुछ रशियंस बैठे हुए हैं, दिखाता हूँ, ये देखो ये बैठे हैं यहाँ पे, नाइस, चलो अच्छा है। तो भाई हमने कर दिया चेकआउट प्रॉपर्टी से, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और गाड़ी अपनी दूसरी आ गई है, बाकी सारे बंदे ये रहे अपनी गाड़ी ये रही। पार्किंग देख लो आप कितनी बड़ी है भाई, वहाँ तक है सारी की सारी, जितनी भी है सब इनकी पार्किंग है, दो गाड़ियाँ ऐसे बराबर बराबर में, तो वहाँ से लेके और वहाँ तक कम से कम एक लाइन में 10 गाड़ियाँ बड़े आराम से खड़ी हो सकती हैं, तो 10 दूनी 20 हो गई, 20 गाड़ियों की पार्किंग है, और बाकी यहाँ रोड साइड भी लगा सकते हैं आराम से, 5-6 गाड़ियाँ यहाँ रोड साइड भी आ जाएंगी, क्योंकि देखो तीन तो खड़ी हैं, एक यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, एक भैया की गाड़ी के पीछे, और एक यहाँ, 6-7 गाड़ियाँ यहाँ भी आ जाएंगी बड़े आराम से, तो काफ़ी अच्छी खासी पार्किंग की जगह है। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता देना, अपना फीडबैक शेयर करना, आप अगर यहाँ पे आते हो एंजॉय करते हो तो कैसा आपका फीडबैक रहा वो मेरे को बता देना। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और मैं अपना रेगुलर व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे रेगुलर व्लॉग में मिलते हैं आपसे, ठीक है, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।